तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी गोदी मीडिया का पुरजोर विरोध करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच बैठो दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर। तो असदुद्दीन ओवैसी ने चीन मसले पर मोदी पर बोला हमला, कहा किसी पीएम को हक नहीं, गिफ्ट में दे दे देश की जमीन। जहां दोस्तों आपको बता दें कि गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान को लेकर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े किए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने आज एक ट्वीट किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक भारत का एक भी हिस्सा चीन के कब्जे में नहीं है, इसलिए मेरे कुछ प्रधानमंत्री मोदी से सवाल हैं। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारे 20 सैनिक क्यों मारे गए? अगर भारतीय सेना ने चीनी सेना के जवानों को भगाने की कोशिश नहीं की तो ये सैनिक क्यों मारे गए? प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोल रहे हैं। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि किसी भी प्रधानमंत्री को हक नहीं है कि वह भारतीय जमीन को बिना संसद की मंजूरी के किसी को दान में दे दे। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एयर वाइस मार्शल के बहादुर मनमोहन का दावा है कि गलवान इलाका हमेशा से LAC के भारतीय साइड की ओर रहा है। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि चीन के लोग दावा कर रहे हैं कि गलवान घाटी उनकी है, ये कहना है कि चीन का कोई कब्जा नहीं है। क्या प्रधानमंत्री मोदी इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता को गुमराह नहीं कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी चीन मुद्दे पर झूठ बोल रहे हैं क्योंकि वह फेल हुए, तो ये काफी बड़े हमले असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से आज बोले गए हैं प्रधानमंत्री मोदी पर। इसी बीच बैठो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आडवाणी सहित 9 आरोपियों के होंगे बयान दर्ज। जी हां दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि CBI की एक विशेष अदालत ने तारीखों का ऐलान करते हुए राष्ट्रीय सूचना केंद्र के निदेशक को आज निर्देश दिए हैं कि वह बाबरी मस्जिद को तोड़ने के मामले में पूर्व BJP उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी सहित 9 आरोपियों के बयान दर्ज करने के लिए उनके आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था करे। वहीं आपको बता दें कि ये आदेश के बाद अब सभी आरोपियों से अदालत लगभग 1000 सवाल पूछेगी, जिसके बाद उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि सूची में लाल कृष्ण आडवाणी को 30 जून दी गई है, 30 जून के बाद इनके बयान दर्ज किए जाएंगे। वहीं इनके अब सभी के बयान दर्ज होने के बाद इन पर केस लगाए जाएंगे। देखते हैं क्या मामला कोर्ट से निकल कर आता है आगे। इसी बीच बैठो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो चीन मसले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा ओछी राजनीति करना छोड़ दे राहुल गांधी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह ने चीन मसले को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि मोदी ने सर्वदलीय बैठक में कहा था कि ना तो कोई हमारी सीमा के भीतर घुसा है और ना ही चीन ने किसी हमारी पोस्ट पर कब्जा किया है। मोदी के इसी बयान पर राहुल गांधी ने हमला किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय क्षेत्र को चीन को सौंप दिया और प्रधानमंत्री मोदी डर गए। अब इसी बयान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है और कहा कि ऐसे समय में जब पूरा देश एकजुट है, राहुल गांधी को भी ओछी राजनीति से ऊपर उठना चाहिए, राहुल गांधी को भी राष्ट्रहित के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि पूरा देश आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है, न कि राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी को भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा होना चाहिए और इस वक्त ओछी राजनीति करके छोड़ देना चाहिए। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने एक घायल सैनिक के पिता का वीडियो शेयर करते हुए यह हमला राहुल गांधी पर बोला है। इसी बीच बैठो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो गरीब कल्याण रोजगार योजना लॉन्च करते हुए बोले प्रधानमंत्री मोदी, अब देश के सभी प्रवासी मजदूरों को उनके गांव में ही दिया जाएगा इस योजना के तहत काम। जहां दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 6 राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बिहार से गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सभी प्रवासी मजदूर जो अन्य राज्यों से कोरोना महामारी के चलते अपने गाँव में आए हैं, उनको इस योजना के तहत काम दिया जाएगा। वहीं आगे प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च करते हुए कहा था कि जिस तरीके से गांव ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसने शहरों को एक बड़ी सीख दी। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुल 50,000 करोड़ रुपए की लगा से विभिन्न प्रकार के 25 कार्यों को किया जाएगा। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे बनाए जाएंगे और नए निर्माण कराए जाएंगे, जिससे कि सभी प्रवासी मजदूरों को काम दिया जाएगा। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चाहे कोई आपके काम को पहचाने या नहीं, लेकिन मैं कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में आपके योगदान की प्रशंसा करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिस तरह से हमने कोरोना महामारी के चलते सिर में स्पेशल ट्रेन चलाई और सभी को अपने अपने घर भेजा और हमने सभी की परेशानियों को देखा, तो प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कार्यक्रम की शुरुआत में ही गलवान वैली में शहीद हुए सैनिकों को नमन करते हुए कहा था कि हर बिहारी को इस पर गर्व होना चाहिए, हमारे बिहार रेजिमेंट के लोगों ने शहादत दी, लद्दाख में हमारे बहादुर जवान द्वारा बलिदान देश को गर्व है। आज जब मैं बिहार के लोगों से बात कर रहा हूं तो मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये अहम बातें कही हैं लॉकडाउन के चलते
से गरीब कल्याण योजना को लॉन्च करते हुए। इसी बीच बैठो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो गलवान घाटी को लेकर अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा क्या गलवान घाटी में चीनी घुसपैठ हुई है या नहीं, देश की जनता को बताए प्रधानमंत्री मोदी। जी दोस्तों आपको बता दें कि एक बार फिर से अखिलेश यादव ने चीनी मसले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने शनिवार को ट्वीट किया और कहा कि चीनी घुसपैठ के खिलाफ पूरा राष्ट्र सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन हमें सच का पता होना चाहिए। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और कहा कि चीनी घुसपैठ के खिलाफ देश मोदी सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन जिस घटना में हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, क्या वह घुसपैठ थी या नहीं, मोदी सरकार पूरी देश की जनता को इसका सच बताए। आगे अखिलेश यादव ने कहा कि क्या गलवान घाटी भारत की है या चीन की है, मोदी सरकार बताए। आगे उन्होंने कहा कि हमें स्पष्टीकरण नहीं चाहिए, बल्कि सच का पता होना चाहिए कि गलवान घाटी भारत की है या नहीं, और भारत की है तो उसमें भारतीय सैनिक हैं या नहीं, ये देश की जनता को मोदी सरकार बताए। और आगे अखिलेश यादव ने कहा कि मोदी सरकार गलवान घाटी और चीन मुद्दे पर लगातार देश से झूठ बोल रही है, तो ये काफी बड़ा निशाना अखिलेश यादव की तरफ से साधा गया है। इसी बीच बैठो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो तमिलनाडु में 30 जून से आगे नहीं बढ़ेगा लॉकडाउन, सीएम पलानी स्वामी ने दिया बड़ा बयान। जी दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि तमिलनाडु में 30 जून के बाद लॉकडाउन को नहीं बढ़ाया जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानी स्वामी ने शनिवार को कहा कि राज्य में 30 जून के बाद तक लॉकडाउन बढ़ाने जैसी कोई बात नहीं है। चेन्नई में रिपोर्टर्स से बात करते हुए सीएम पलानी स्वामी ने कहा कि अब तक लॉकडाउन बढ़ाने जैसा कोई विचार नहीं है, और 30 जून के बाद खत्म हो रहे लॉकडाउन को राज्य में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, यानी तमिलनाडु में 30 जून के बाद लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा, तो ये काफी बड़ा अपडेट आ रहा है। इसी बीच बैठो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो चीन की गलवान घाटी पर चीन ने किया आज अपना दावा, भारत ने बताया गलत। जी दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि भारत चीन सीमा पर जारी तनाव के बीच चीनी विदेश मंत्रालय ने आज गलवान घाटी पर अपना दावा किया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि गलवान घाटी चीनी हिस्से में आती है और गलवान घाटी चीन की है। वहीं आगे विदेश मंत्रालय ने कहा है कि गलवान घाटी में दोनों देशों के सीमा पर हुई झड़प के लिए भारतीय सेना जिम्मेदार है। वहीं आपको बता दें कि इसके साथ ही चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि गलवान घाटी वास्तविक नियंत्रण रेखा के चीनी हिस्से में आता है। कई सालों से वहां चीनी गार्ड गाश्तवी कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी निभाते हैं। इतना ही नहीं, चीन ने यह भी कहा है कि भारतीय सैनिक यहां पर जबरन रोड और ब्रिज बना रहे हैं और इसी की चलते ये विवाद हुआ है और भारतीय सैनिक शहीद हुए। वहीं चीन ने आज दावा कर दिया है कि ये हिस्सा उनका है। वहीं आपको बता दें कि भारत सरकार ने इसे सरासर गलत बताया है, कहा ये हिस्सा भारत का है और भारत इस हिस्से से एक इंच भी पीछे नहीं हटेगा। तो ये काफी बड़े दोनों देशों के बीच टकरार होती जा रही है। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो गुजरात हाईकोर्ट ने कोरोना के चलते भगवान जगन्नाथ की यात्रा पर लगाई रोक। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना महामारी की मार झेल रहे अहमदाबाद में 23 जून को होने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा अब नहीं निकलेगी। गुजरात उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि कोरोना महामारी के चलते रथ यात्रा आयोजित नहीं की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति जेपी पारडीवाला की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत रथ यात्रा संबंधित सभी धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पुरी की रथ यात्रा पर भी रोक लगाने का आदेश दिया था। गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि लगभग 18 किलोमीटर के मार्ग को कवर करती है और लगभग 7-8 लाख लोग इसमें भाग लेते हैं, और इसी को देखते हुए कोरोना महामारी इसमें बहुत तेजी से फैलेगी और इसी को देखते हुए इस पर रोक लगा दी है। तो ये काफी बड़ा फैसला गुजरात हाईकोर्ट ने लिया है। इसी बीच बैठो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का राहुल गांधी पर निशाना, कहा जब सेना गलवान में लड़ रही थी तब एक नेता भारत में सेना का मनोबल गिरा रहा था। जी दोस्तों आपको बता दें कि लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जिस वक्त भारतीय सेना वीरता पूर्वक चीनी सेना का मुकाबला कर रही थी, उसी वक्त भारत का एक नेता अपने ट्वीट की मदद से सेना का मनोबल गिराने का काम कर रहा था। नड्डा का निशाना राहुल गांधी पर था। बता दें कि 15 जून को भारत चीन संघर्ष के बाद राहुल गांधी हर दिन सरकार पर हमला बोल रहे थे। वहीं इसी संघर्ष को लेकर ये काफी बड़ा हमला बीजेपी की तरफ से बोला गया है। इसी बीच बैठो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो न्यूज 18 के पत्रकार अमित देवबन का सिर्फ माफी मांगना काफी नहीं, उसे तुरंत किया जाए गिरफ्तार और नौकरी से भी निकाला जाए। उलमाए काउंसिल, जी दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के अजमेर स्थित हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर जिस तरह से न्यूज 18 के पत्रकार ने अभद्र टिप्पणी की थी और ख्वाजा गरीब नवाज को लुटे रखा था, जिसके बाद उनके खिलाफ देश के कई हिस्सों में 200 से अधिक मामले दर्ज हुए, जिसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी। लेकिन अब इस मसले में अखिल भारतीय उलमाए काउंसिल के महासचिव मौलाना महमूद
दियाराबादी ने प्रेस से एक बयान में कहा कि देवबंद की पूरी बुरी भाषा कोई बात नहीं है। उन्होंने कई मौके पर मुसलमानों का अपमान किया है। देवबंद ने पूरी दुनिया भर में लाखों कट्टर हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य धर्मों के लोगों को खुले तौर पर नाराज किया है, इसलिए देवबंद को जेल में डालना होगा। मौलाना ने कहा कि अब तक कानून को खुद आगे बढ़कर अपना काम करना चाहिए था। मौलाना ने मोदी सरकार से मांग की है कि अमित देवबंद को तुरंत गिरफ्तार कर उन्हें बर्खास्त किया जाए और ताकि भविष्य में कोई इस तरह से अपमानजनक टिप्पणी ना कर सके। तो ये काफी बड़ी मांग की गई है। मौत अली को वापस किया जाए, इनको दोबारा।